कोलंबो सर, आप यहाँ पर रघुलीला मॉल के चेयरमैन हो और सर आपने अभी 19 तारीख को जनवरी में आपने एक एफआईआर लॉन्च किया है। सर क्या पूरा मामला है? इसमें मामला ऐसा है कि हमने ये एफआईआर जो फाइल किया है वो एक क्या लाल एलबी तिवारी के अगेंस्ट में है, जिनको 15-16 की जो कमेटी थी उन्होंने अपॉइंट किया था एज अ लीगल एडवाइज़र। हालांकि लीगल एडवाइज़र बिंदु तिवारी एंड एसोसिएट का था, मगर उनके बिहाफ पे वो हमारे यहाँ एडवोकेट का काम कर रहे थे और उनके पास ना तो कोई सर्टिफिकेट था, ना एडवोकेसी का कोई एग्ज़ाम दिया था, ना रजिस्ट्रेशन था, और फिर भी वो उसके एज अ एडवोकेट काम कर रहे थे और उसकी तनख्वाह वगैरह अपने नाम से या अपने भतीजे के नाम से दे रहे थे। तो सर ये आपको कब पता चला कि वो एडवोकेट नहीं है? जब ये हमारी कमेटी 18 में आई तब ये हमने वो साल का ऑडिट भी किया था, तो ऑडिट में कुछ ऐसी क्वेरी निकली कि अपॉइंट कोई और है और पेमेंट कोई और डेटा दे रहा है, तो क्या मामला है? तो उसके बारे में फिर हमको मालूम पड़ा कि ये एडवोकेट ना होते हुए भी अपने हिसाब से तनख्वाह दे रहा था। और ये बात हमने हमारे एजीएम में डिस्कस की और एजीएम में हमको जनरल बॉडी ने बताया कि भाई अगर ऐसा है कि वो एडवोकेट नहीं है और एडवोकेट का पैसा लिया है और कुछ भी काम नहीं किया, हर एक केस में उसने जो फाइल किया वो सब में वो हारा हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लो। और फर्दर उसने क्या किया कि कन्वेंस का भी उसने पैसा दिया और उसमें काम नहीं किया था, जो करीब 42 लाख के करीब जाता है। सैलरी सैलरी 42 लाख की है तो जाहिद जी आप क्या कहोगे? आप रघुलीला मॉल के आप सेक्रेटरी हो सर, क्या पूरा मामला है ये? सर ये बेसिकली ये मामला फ्रॉड और चीटिंग का है। ये फ्रॉड ऐसे है कि 2018 में जैसे चेयरमैन सर ने बताया कि ही वॉज अपॉइंटेड एज ए लीगल एडवाइजर, बट वेन वी चेक द अपॉइंटमेंट वी फाउंड दैट द लीगल एडवाइजर वॉज बिंदु तिवारी एंड एसोसिएट एंड ही वॉज वर्किंग एज एन असाइनी फॉर द बिंदु तिवारी एज अ लीगल एडवाइजर। तो जब जनरल बॉडी में ये सब बातें डिस्कस की गई कि पेमेंट वॉज गिवन टू सम अदर पर्सन, तो हम लोग को पावर दिया गया कि आप प्लीज इस पर इन्वेस्टिगेट करके अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए और सोसाइटी का अगर कोई फंड मिस यूज हुआ है तो उसको रिकवर कीजिए। तो ऑन दैट पाथ हमने कांदिवली पुलिस स्टेशन में नवंबर 2019 को एक एप्लीकेशन डाला था थ्रू हमारे सोसाइटी एडवोकेट राघवेंद्र मर्ता के ये जो एलबी तिवारी है ये एडवोकेट होते हुए ना होते हुए भी इतने लीगल एडवोकेट का काम किया और काफ़ी सारी सैलरी ली। उस हमारे जो एडवोकेट ने मुंबई हाईकोर्ट में एक आरटीआई डाल के बाहर काउंसिल से एक ओपिनियन निकाला कि क्या ये एडवोकेट है, तो हमको बताया गया इन के ये बाहर काउंसिल में ये रजिस्टर्ड, ये देखिए आप लोग ये बाहर काउंसिल का फोकस, ये बताया गया कि लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी और मैसेज बिंदु तिवारी एंड एसोसिएट इज नॉट द लॉयर इन द ईयर 2019। तो जब हमको ये पता लगा कि ये लॉयर ना होते हुए भी लीगल एडवाइस कर रहे थे, तो जब हमने और कुछ छानबीन की, हमने रजिस्टर ऑफिस में भी हमारे खिलाफ काफ़ी सारे फ्रॉड फौज केसेस करता था, तो हमने वहाँ पर भी एक आरटीआई डाला और गवर्नमेंट से पूछा कि क्या ये ऐसे कोई मामला और कहीं पर कर रहा है एडवोकेट बन के, तो हमको वहाँ पर भी पता चला कि ये रजिस्टर ऑफिस में भी अपने आप को एडवोकेट बता के कई सोसाइटियों में, जो मैं आपको भी ये कुछ लीगल मैटर्स की वजह से आई कैन नॉट शो यू दैट दिस थिंग, उन्होंने वहाँ भी किया हुआ है। ये सब चीज़ें हमने जमा करके एक एप्लीकेशन के द्वारा कांदिवली पुलिस स्टेशन को दिया और कहा कि अगर ये फ्रॉड है और सोसाइटी को ठगी गई है तो आप में इन्वेस्टिगेशन कीजिए और सोसाइटी को न्याय दिलाइए। हमारे 42 लाख रुपीज एज अ सैलरी ही वॉज विड्रॉइंग अराउंड 1 लाख फॉर 1 ईयर एंड देन ही वॉज गिवन 1,25,000 पर मंथ। सर अ पर्सन हु नॉट एन एडवोकेट वॉज पेइंग 1,25,000। तो हमने कांदिवली में ये दिखाया, अब कांदिवली पुलिस स्टेशन ने इसको 1.5 साल लगाया इस एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए, काफ़ी छानबीन करने के बाद उन्होंने फिर ये एफआईआर 19 तारीख को रजिस्टर किया। मेरा ये मकसद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो मुंबई पुलिस ने जो एक मामला दर्ज किया है, ये मेरा कहना ये है कि ये लोग एक सोसाइटी को नहीं फ्रॉड किए होंगे, हमारी सोसाइटी नहीं होगी
ऐसी कितनी सोसाइटी होगी जहां पर ये लीगल बन के फ्रॉड किया होगा, जिसका खुलासा मुंबई पुलिस को करना जरूरी है। और ये मेरी मांग है मुंबई पुलिस से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट किए जाए, इसको सख्ती से पूछा जाए, ताकि ये सब कुछ बयान पेपर में आए और रिकॉर्ड में आए और हमको न्याय मिले और काफ़ी जो सोसाइटी जो इस जहाज़ में फंस सकती है वो बचे। मेरा ये कहना, उसी तरह हमारे कमेटी मेंबर है मिस्टर सुदीप पुरकेसर जी, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। और सर लेकिन एक और सवाल था आपसे, आपने एक कुछ उन पे और कोई लीगल केस हुआ है, कोई मॉल की लेडी ने उन पे केस किया, वो क्या मामला है? मैं प्राइम विटनेस हूं। इस मामले से काफ़ी अलग है मामला। वो 2017 में एक लेडी थी, मैं उन पे मोलेस्टेशन का केस हुआ था, उसमें मैं प्राइम विटनेस के तौर पे मैंने गवाही दी थी। तो यही कारण होगा उनका, जो हमारे ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन करना और गलत गलत चीज़ें करना, काफ़ी केस करना रिश्तेदार में, जो कि हमारे पक्ष में सारे के सारे केस हमारे पक्ष में आए हैं और आते रहे, क्योंकि हम लोग सच है और सच के साथ में ऊपर वाला भी है और मुंबई पुलिस भी है। कमेटी मेंबर्स, आपका क्या कहना है पूरे इस मुद्दे पे? देखिए, मेरा ये कहना है कि भले हम लोग एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सोसाइटी का साथ कम से कम 10,000 आदमी जुड़े हुए हैं उनका रोजी रोटी लेके। तो आज का टाइम में ये ज्यादातर आदमी काफी छोटा व्यवसाय मतलब बिजनेसमैन है, उनका कमाई का पैसा मेंटेनेंस में उन्होंने डाला है मॉल को चालू रखने के लिए। और 2015 या जो पीरियड में ये लोग थे, वो टाइम में मॉल बंद का कतार पर आ गए, उसीलिए हमारा नया कमेटी एक्चुअली फॉर्म हुआ है। और वही टाइम में हम लोग देखे कि बहुत सारे पैसा का हेराफेरी हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उसीलिए ये मुद्दा आया है कि जब हम लोग एजीएम में गए और सबको बताया कि एक एचयूएफ होके भी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जब अजीब सा चीज ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई आदमी दूसरा आदमी का नाम से पैसा ले रहे हैं, तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पॉइंट नहीं था, सब लोग मेंबर का भी पॉइंट था कि कैसे ये सब हो सकता है। तभी जाके ये चीज हम लोग को पता लगा कि ये आदमी एक्चुअली एडवोकेट ही नहीं है, लेकिन अपने आप को एडवोकेट बोल के सबको घुमा रहे थे। तो एक बात ऑब्वियस है, हमारा एजीएम ने भी हम लोग को ऑथराइज किया है कि इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग काफी दिन हो गया ये केस को प्रेजेंट ठीक से नहीं कर पाए, और हमको पता नहीं है पुलिस भी काफी टाइम ले लिए इसको रजिस्टर करने के लिए, शायद कोरोना का लॉकडाउन भी एक इशू हो सकता है। लेकिन देखिए, कम से कम एक ये तो होना ही चाहिए था, इसका ऐसा टाइप का जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए तो एक प्रोटेस्ट होना बहुत जरूरी है, तो वही हम लोग किए हैं। अच्छा सर, अगर बात करें तो कमेटी आपकी जब बनी है, तब आपने कमेटी ने जो डिसीजन लिया होगा, तो इस मीटिंग में उसको बुलाया गया था, फेस किया गया था, किस तरह का मीटिंग हुआ था ये? यस, जनरल बॉडी में भी वो आए थे और उन्होंने ऑडिटर पर ही क्वेश्चन कर दिया, उन्होंने उस जनरल बॉडी के बाद में, जनरल बॉडी बेकार है, सही नहीं है, ऑडिटर ही चोर है, उसके खिलाफ भी डिप्टी रजिस्ट्रार में उन्होंने केस फाइल की थी, वो भी केस हम जीत के आ गए। तो ये कैसा है सर, इनके खिलाफ जो बोलेगा वो होगा चोर, वो होगा फ्रॉड। सर अगर बात करें तो एक बड़ी चोरी है, छोटी चोरी नहीं है, तो पुलिस ने इतने 1.5 साल के बाद जो एफआईआर लिया है, जो भी एफआईआर में जो भी कलम लगा, ये कलम ऑब्वियसली अवेलेबल है, तो आपने ये बारे में कैसे कमिश्नर को पत्र या ट्वीट करके कंप्लेंट नहीं किया इसके बारे में? सर इसके बारे में हमने तो काफ़ी सारे मिनिस्टर्स को भी लिखा है, और मिनिस्टर में जैसे श्री असलम शेख जी को भी हमने एक लेटर द्वारा इन्फॉर्म किया था, कॉपरेटिव मिनिस्टर सतीश सोनी उस वक्त के, उनको भी लेटर दिया गया था, बट किसी कारण से वो उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे उसके बारे में पता नहीं। लेकिन आज जो कांदिवली पुलिस स्टेशन में दो दिन पहले किया, सब डॉक्यूमेंट खंगालने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई डीसीपी से भी अप्रूवल लिया है, लॉ ऑफिसर से भी अप्रूवल लिया है, तब जाके ये 1.5 साल में ये एफआईआर दर्ज हुआ है, क्योंकि उसकी पहुंच और डर कांदिवली पुलिस स्टेशन में भी काफ़ी है, क्योंकि उनका एक मोडस ऑपरेंडी है कि जो भी ऑफिसर बोलेगा उनका यूट्यूब वायरल हो जाता है। तो आप अगर चाहे तो सहायक एनजीओ के नाम पर अगर देखोगे, उनका यही काम है सर, और हम लोग का ये काम नहीं, हम व्यापारी है, हम लोग इधर मेरा धंधा लेके बैठे हैं, हमारी दुकान चला रहे हैं ताकि हमारी दुकान चले। सर आज ये हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे मुंबई वासियों को और मिनिस्टर लोगों को?
सर मेरा एक ही संदेश है स्पेशली मुंबई पुलिस को, जो आज उन्होंने इतना बेहतरीन जो न्याय दिला है, लेकिन ये आधा न्याय है सर, ये पूरा न्याय नहीं है। हमको उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके कड़ी तरीके से, और कोई सोसाइटी ना फंस सके उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि ये जाके बाकी लोगों को फ़ायदा मिले, इसका नुकसान ना हो सर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। इवन मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर सर थे जो कॉपरेटिव मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से बाबा साहेब पाटिल साहब मिनिस्टर है, ताकि अगर वो भी इनमें कुछ हमारी मदद कर सके ये फ्रॉड को जुझा करने में, तो हमारा बहुत आभारी हो गया हम उनके उनके लिए। सर आपका क्या कहना है कुछ? जैसे जैसे हमारे सेक्रेटरी जी ने कहा कि आपने जैसे पूछा था हमको मॉरिशस का, उसमें विटनेस में मैं भी हूँ, मेरे पे भी 2018 में उन्होंने कुछ अटैक करवाया था पर्सनल मेरे बिजनेस पे, और उसमें भी मुझे काफ़ी सारा नुकसान भी पहुँचा था। पर मैं यही कहूँगा मुंबई पुलिस को भी कि ये जो बंदा है, ये LB तिवारी, ये बहुत बहुत यानी बहुत चालू टाइप का आदमी है। उसका काम ही है, मुझे लगता है ये टाइप का, कि लोगों को ठगना और लोगों को पहले एकदम अपने तरीके से चिल्ला के बोलना ऑफिसर लोगों के सामने, और बाद में उनको डराना, और बाद में इस तरह के जो फ्रॉड कर रहा है, तो उसकी ये जो बढ़ गई है हिम्मत, उस हिम्मत को कैसे भी करके पुलिस को उसको आड़े हाथ लेना चाहिए। और मेरा यही कहना है मेरे कमेटी मेंबरों की तरफ से और पूरे रघुलीला मॉल की तरफ से कड़क कार्रवाई की जाए। सर आप क्या कहेंगे? सर एक तो इसका सब जैसे कि बाकी सब ने बोला कि जो कर रहा है, बाकी ये कि जो लोग उसके अगेंस्ट में हमारे मॉल मेंबर्स से सपोर्ट में आते हैं, उन लोगों को वो यूट्यूब वगैरह की धमकी दे के उनको डराने की कोशिश करते हैं, चुप कराने की कोशिश करते हैं कि तुम ये सपोर्ट में मत आओ, वो इसकी ये सबसे बड़ी हैबिट है। नहीं सर, अगर आपने जब यूट्यूब की बात की तो मेरा सवाल आपसे ये कि YouTube की धमकी किस तरह की धमकी देता है, मतलब क्या धमकी देता है? मतलब आप अगर कुछ भी इनके सपोर्ट मेरे अगेंस्ट में करोगे तो मैं तुम्हारा ऐसा YouTube बना के तुम्हें वायरल कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा, इस किस्म की धमकियां देता है सबको। तो कितना ऑथेंटिक होता है, मतलब क्या उसमें होता है? कुछ सच्चाई नहीं होती, खाली वो धमकाने के लिए कि डर जाए सामने वाले और चुप हो जाए और मेरे अगेंस्ट में कुछ एक्शन नहीं ले। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वो अभी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, जाहिर शेख ने फ्रॉड कर दिया, जाहिर शेख ने फ्रॉड कर दिया, वो मामला क्या है सर? इनके हिसाब से मैंने मेरे मामा की साइन फ्रॉड की, मेरे मामा मुझे कहेंगे फ्रॉड किया है कि ये कहेगा सर। तो ये ऐसी ऐसी कुछ भी चीज़ें लोगों को रखते हैं और ये डराते धमकाते हैं ताकि हम डर जाए। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मैं प्राइम विटनेस था उस केस में, तो ऐसी तरीके से डिपार्टमेंट के मैटर्स में, जैसे कि सोसाइटी के मैटर्स, छोटे छोटे मैटर्स होते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं आया, अभी आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, अब आपको कल सुबह में आपका पूरा यूट्यूब आएगा और देखना मैं ये कलम में आपके तक कार्रवाई करेगा। 3 साल हो गया सर जी। सर अगर इस तरह की वो लीगल धमकी दे रहे हैं तो आप लोगों ने मिलकर कुछ पर्सनली एक्शन लिया उसके ऊपर? सर हम लोग का तो एक ही कहना है कि अगर कुछ उसके पास डॉक्यूमेंट है और वो कुछ लीगली सही है, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने 20-30 केस किया, हम पे जीत गए तो कानून ने काम किया ना सर। लेकिन कानून को हम बता सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, दुनिया को पता नहीं सकते ना। यूट्यूब में उन्होंने एलिगेशन डाल दिया, अब हमको भी आज आपके सामने आना पड़ा ये बताने के लिए कि हम 20-25 केस जीत सके। उन्होंने तो क्लेम डाल दिया हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यही तो तकलीफ है सर कि हमको ये नहीं बताना कि ऐसा भी कुछ चीज़ होती है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है, लोगों को बताना होता है। हम तो रजिस्टर में केस कर रहे हैं, रजिस्टर नाम अपोज कर रहे हैं और जीत रहे हैं, और काफ़ी केस हम रजिस्टर से जीत के आए हैं, जो आप खुद डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाके आप कंफर्म कर सकते हो सर, डिविजन जॉइंट रजिस्टर के पास जाके आप कंफर्म कर सकते हो कि हमारे पे केस किए गए थे और हम उस केस से साफ सुथरे क्या है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।